हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेफ्ट एजुकेशन। वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर। माई सेल्फ साइलोसेन शाह एंड आई एम परसुइंग माई एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी श्रीनगर। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। एक्चुअली केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन के दौरान पूरे साल केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपका अप्रोच गलत है, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड इन योर एग्जाम। क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट कोई भी हो, अप्रोच आपका बहुत मैटर करता है। एक्चुअली मैं आपको अपना बताऊं तो मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट के अंदर, मैंने केमिस्ट्री पूरा साल पढ़ी, बट आई वाज नॉट एबल टू स्कोर इवन 100 तक भी मेरा स्कोर केमिस्ट्री के अंदर नहीं गया था। हालांकि केमिस्ट्री मैंने पढ़ी थी, तो उससे मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं अप्रोच भी मैटर करता है। अगर आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपका अप्रोच गलत है किसी सब्जेक्ट को लेकर, देन आप स्कोर जो है ना अच्छा नहीं कर पाएंगे। सो इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अप्रोच को चेंज करें और आप समझें कि सब्जेक्ट की डिमांड क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में पूरा अप्रोच आपको बताऊंगा तीनों पोर्शंस ऑफ द केमिस्ट्री की, वेदर इट इज फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तीनों में अलग अलग तरीके का एक आपका यानी कि अप्रोच होना चाहिए जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे नीट के एग्जाम के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं आपको पूरा जो है बताऊंगा, और अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं आप खुद देखेंगे कि आपके जो टेस्ट सीरीज है, जो आपके मॉक टेस्ट है, उनके अंदर आपका स्कोर जो है वो किस तरीके से इंप्रूव होगा केमिस्ट्री के अंदर, अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करें। और आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि अप्रोच जो है आपको किस हद तक सही लगा। हालांकि ये अप्रोच जो है बेस्ट अप्रोच है, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे आप खुद के स्कोर के अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे। सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए जब बात फिजिकल केमिस्ट्री की आती है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं आपको सबसे पहले उसका लेक्चर देखना है जहां से भी आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको जो है कोशिश करनी है कि अगर आपके पास डीपीपी है उस लेक्चर की डीपीपी को सॉल्व करें, एक बार दो बार कम से कम तीन बार उस डीपीपी को सॉल्व करें, एंड देन आप जाएं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ना एक गेम चेंजिंग, मैं कहता हूं कि अगर आपकी नीट के अंदर कोई गेम चेंजर है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार ट्राई करना, बार बार प्रैक्टिस करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार करें। तो आपने क्या किया, आपने लेक्चर देखा, डीपीपी की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया। ये तीन चीजें जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, देन अगर आपको लगता है कि मुझे टाइम है, आप फिजिकल केमिस्ट्री को रीड भी करें, ठीक है। क्योंकि इस बार जो है ये भी जरूरी हो गया है कि फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को पढ़ा जाए, डिमांड है इस बार। तो आपको चाहिए कि अगर आप ये तीन चीजें करने के बाद भी आपके पास टाइम है तो आप जो है इसकी केमिस्ट्री की सब्जेक्ट को लाइन बाय लाइन रीड करें फिजिकल केमिस्ट्री में। देन आप देखेंगे कि आपका स्कोर जो है फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा खासा इंप्रूव होगा। फिर बात आती है दूसरा पोर्शन, दैट इज इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को एज सेम एज बायो की तरह लें, कुछ नहीं करना आपको। कोई भी आप देख रहे हैं, कोई भी चैप्टर आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले उसका लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने के बाद आपको जो है फिर से उसका डीपीपी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डीपीपी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर की रिपीटेडली करनी है, ताकि अगर उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है बड़ी आसानी से उसको जल्दी जल्दी कर पाए। क्योंकि ये वो पोर्शन होते हैं जहां पर आपको टाइम बचाना होता है फिजिक्स के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है कि इनऑर्गेनिक जो है वो एज इट इज, जैसे बायो में आप रीड करते हैं लाइन बाय लाइन, इसी तरीके से आप केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, एंड देन आप देखिए आपका स्कोर जो है बड़ी अच्छी तरीके से इंप्रूव होगा। फिर बात आती है ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में मैं आपको कहूंगा कि बिफोर स्टार्टिंग योर ऑर्गेनिक वाला पोर्शन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी तक कर चुके होंगे, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक में स्कोर अच्छा करना है ना, आपको जीओसी अपनी स्ट्रांग से स्ट्रांग बनानी है। मींस आप आइसोमेरिज्म, आप नॉमनक्लेचर, आप मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस पर अच्छे खासे वीडियो देखें, पहले अपने कंसेप्ट को बनाएं, देन आप चैप्टर वाइज जो है वीडियो देखें, चैप्टर वाइज वीडियो आप फिर देखें, लेकिन पहले आप जीओसी को स्ट्रांग करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक हो जाती है आप खुद ब खुद यानी कि लाइन बाय लाइन रीड करके ऑर्गेनिक को पढ़ सकते हैं। फिर आपको लेक्चर भी अगर नहीं देखेंगे आप लाइन बाय लाइन खुद पढ़ सकते हैं ऑर्गेनिक को, अगर आपकी जीओसी स्ट्रांग होगी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्गेनिक के अंदर पहले आप जीओसी को स्ट्रॉन्ग करें, एंड देन आप जो है चैप्टर वाइज लेक्चर देखें और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री की हर एक रिएक्शन और रिएजेंट आपके पास होनी चाहिए, आप उसको बार बार रिवाइज करें, बिकॉज एग्जाम के अंदर वही पूछी जाती है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। सो इंपॉर्टेंट है कि वो रिएक्शन और वो रिएजेंट जो है आपके पास कहीं अलग लिख कर हो, ताकि एग्जाम टाइम पे जो है आप उसको जल्दी से रिवाइज करके जा पाए। क्योंकि कभी कभार आप चीजें पढ़ जाते हैं लेकिन लास्ट में भूल जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि आपके पास होना चाहिए कुछ ऐसा मटेरियल जिसको लास्ट टाइम देखकर आप सारी की सारी रिएक्शन जो है केमिस्ट्री की उड़ा जाए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है उन रिएक्शंस जो जिस टाइप की रिएक्शंस आपकी दी गई हैं, ठीक है, आपकी केमिस्ट्री के अंदर केवल उसी टाइप की रिएक्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व करें, दैट विल बी आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा उससे। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें भी यही है, आफ्टर योर लेक्चर्स, आफ्टर मेकिंग योर जीओसी स्ट्रांग, एंड देन आप डीपीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन पर जो है डिपेंड रहे। आप देखेंगे कि आप केमिस्ट्री के अंदर कितना अच्छा स्कोर करेंगे आपको ये चीजें अगर आप फॉलो करते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस अप्रोच को देखें और आप देखेंगे कि आपका स्कोर जो है बड़ी अच्छी तरीके से इंप्रूव होगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को अगर आप एक गलत वे में पढ़ते जाएंगे, आप पूरा साल पढ़ेंगे लेकिन आपको रिजल्ट जो है एंड पर नहीं दिखेगा। सो आई सजेस्ट यू कि आप अपने अप्रोच को चेंज करके देखें और आप स्कोर को इंप्रूवमेंट भी आप देखेंगे, ठीक है। तो स्कोर के अंदर आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो मैं यही आपके साथ शेयर करना चाहता था, बिकॉज आई वॉन्ट कि अगर आप किसी गलत अप्रोच पर जा रहे हैं आप अपने अप्रोच को चेंज करें, ठीक है। तो यही मेरा मकसद था इस वीडियो का। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। Thanks for watching this video.